मैं खान हायर सेकेंडरी स्कूल में प्री मेडिकल प्लस प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरी नेशनल सतह पर सेकेंड पोजीशन और फिर सूबाई सतह पर मेरी पहली पोजीशन और साइंस ग्रुप में भी सेकेंड पोजीशन है। तो जब मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट क्या है तो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर डिवेलप हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स स्पेशली हमारे जो प्रिंसिपल है स्कूल की AKSS हमजा की मिस ज़ारा अली दाद, उनको मैं अपने पेरेंट्स को और फिर स्पेशली AKEB को देना चाहूँगी, क्योंकि AKEB एक ऐसा बोर्ड है जो आपको सिर्फ पढ़ाई में आगे नहीं ले जाता, जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप कराता है, आपको सिखाता है कि आपको जीना कैसे है, आपको आगे जाके करना क्या है, आपको इस दुनिया में रहना कैसा है जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो AKEB के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपनी दिल की अथाह गहराई से मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और एक मैसेज मैं सबको ये देना चाहती हूँ कि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो सिर्फ बहुत ज़्यादा नंबर लेने से या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आप शायद पॉसिबल ना हो कि आप इस वर्ल्ड के साथ आप कॉम्पीट कर सके। तो इसके लिए आपको लाइफ स्किल्स चाहिए होती हैं, तो अपने अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करें, ठीक है। अपने अंदर जिनको हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, आप वो डेवलप करें, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में जीने का के काबिल बना सकती है। तो इस तरह जब आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे तो आप इस तेज़ी से जो दुनिया बदल रही है उसके अंदर अपने लिए एक जगह पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सीमा अबनायाब और मैं आखान हायर सेकेंडरी स्कूल गाहकोच की स्टूडेंट हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू अलमाइटी कि ही बेस्टोर्ड मी विद एन ओवरऑल सेकेंड पोजीशन इन SSC और आई गॉट 95.5%। तो जब इनकी क्रेडिट्स की बात करूँ, ये जो पोजीशन मैंने ली, जो डिस्टिंक्शंस मैंने ली, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू मौलाना हाजिर इमाम की। मौलाना हाजिर इमाम ने सच लाइक वंडरफुल इंस्टीट्यूशंस इवन इन आवर रिमोट एरियाज भी बनवाई हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई मौलाना हाजिर इमाम। एंड सेकेंडली आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड ऑल द पीपल अराउंड, जिन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे हेल्प किया है, मुझे सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट किया है कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे मोटिवेट किया है। सो फर्दर मोर आई वुड जस्ट लाइक टू से आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर बोर्ड AKUEB बिकॉज इट्स अ ट्रांसपेरेंट वन। बिकॉज आप जब देखें तो इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई बायसनेस कुछ नहीं है, सो इट्स रियली परफेक्ट। और हमें मेरिट बेस पर देखा जाता है, सो इट्स रियली परफेक्ट। एंड फर्दर मोर मेरे जो अपने फ्यूचर गोल्स है, आई वुड लाइक टू गेट एंट्री इन टू द आखान यूनिवर्सिटी एंड इट्स माई इंटरेस्ट, आई होप कि मैं वहाँ तक जा सकूँ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से बी कंसिस्टेंट, कोई गोल आप सेट करें और उस पर वर्क करें, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिटर्मिनेंट होते हैं तो फिर आप उसको प्रॉबेबली अचीव कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड नाम अली अब्बास है, मैं आखान हायर सेकेंडरी स्कूल लिलित से थर्ड पोजीशन हासिल की है प्रोविंशियल साइंस में, और मैं इस पोजीशन को अपने अम्मी और अब्बू के नाम करना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की और मेरे पर यकीन किया। उसके बाद अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की। और जो नए स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं उनको यही मैसेज है कि मेहनत करें और अपने इंग्लिश स्किल्स पे काम करें। नाम अरशद वली है, मैं आखान हाई स्कूल बुनी चित्राल का स्टूडेंट था। वहाँ पे SSC पार्ट टू में, यानी कि कंबाइंड में SSC पार्ट टू साइंस ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है 98.2% लेके। और मैं अपनी इस कामयाबी का आज कामयाबी के लिए तमाम असातिज़ा और तमाम इसको अपने घर वालों को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया और इस सारे जर्नी में मेरा साथ दिया। इसके अलावा अभी मैं आखान हाई सेकेंडरी स्कूल गिलगित का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है और बहुत अच्छा माहौल है। और इसके साथ साथ मैं आखिर में अपने प्रिंसिपल आखान हाई स्कूल बुनी के प्रिंसिपल नूर मोहम्मद सर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया और आज उनकी बदौलत मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ।